वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 बोर्ड के लिए है जिसमें मैं आज आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग समझाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। यू आर अमरीश स्टडिंग इन 10th क्लास ऑफ योर स्कूल, यानी आप अपने स्कूल के अमरीश हैं जिसमें आप 10th क्लास में पढ़ते हैं। रिसेंटली यू रिप्रेजेंट, यानी अभी यू योर सोन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, आपको रिप्रेजेंट करना है। रेसिटेशन कॉम्पिटिशन, यानी एक कविता कॉम्पिटिशन। मैंशनिंग द डिटेल्स, तो आप लोग यहाँ कंप्लीट डिटेल्स देंगे। कॉम्पिटिशन से रिलेटेड, प्रतियोगिता से रिलेटेड। राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 80 वर्ड्स, तो याद रखना है 80 वर्ड्स में रिपोर्ट को फिनिश करना है। फॉर द स्कूल मैगजीन, अपनी स्कूल मैगजीन के लिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखते हैं कॉपी के बीच में। हेडिंग बोल्ड एंड डार्क होनी चाहिए। बेसिकली कॉम्पिटिशन पर है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, तो इसलिए यहाँ लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल रेसिटेशन कॉम्पिटिशन। इसके बाद आप लोग लिखोगे किसे किसके द्वारा लिखा गया है, एक लाइन छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पर, जैसे यहाँ लिखा गया है अमरीश 10th क्लास। अब एक लाइन छोड़ते हुए आप लोग लेफ्ट साइड पर ही लिखेंगे न्यू दिल्ली और डेट। डेट आज की डलती है, हमेशा याद रखना है, जो भी आज की होगी। जैसे आज 16 फरवरी है तो मैं 16 लिखूँगी, फरवरी लिखूँगी और 2023 लिख के छोड़ दूँगी। आप एग्ज़ाम में इसी रूल को फॉलो करेंगे। इसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए तो यहाँ लिखा गया है द पॉपुलेशन सेल ऑफ द, अगर हम पॉपुलेशन सेल की बात करें तो वहाँ जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन थे उन्होंने हेल्ड करा डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोएम को, यानी रेसिटेशन कॉम्पिटिशन जो कविता से रिलेटेड कॉम्पिटिशन था। तो ये लिखना ज़रूरी है बेसिकली कि वहाँ का चीफ गेस्ट कौन था। तो आप लोग डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ स्कूल का नाम लिखा जाएगा एट स्टेट जॉन स्कूल। अब स्कूल का एड्रेस लिखना भी ज़रूरी है कि वो कहाँ है। जैसे यहाँ लिखा गया है पश्चिम बिहार के न्यू दिल्ली में है। आप अपने स्कूल का नाम और अपने स्कूल का पता लिख सकते हैं। अब आगे बोला है वन स्टूडेंट फ्रॉम ईच जोन ऑफ द वेस्ट डिस्ट्रिक्ट टुक पार्ट इन इट, यानी हर एक जोन से, हर एक वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जोन से हर एक स्टूडेंट था, यानी हर एक विद्यार्थी था। टू ऑफ द पार्टिसिपेशन फॉरगेट देयर लाइन्स, यानी जो दो में से लोगों ने, यानी विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट करा था वो अपनी लाइन को भूल गए थे। एंड रिफर टू देयर पेपर्स, तो इसलिए उनको उनके लिए कागज़ को यानी पेपर्स को रिफ़र किया गया था क्योंकि वो अपनी लाइन्स को भूल गए थे। टू क्रॉस द टाइम लिमिट, और अगर हम दो स्टूडेंट्स की बात करें तो उन्होंने टाइम लिमिट को क्रॉस कर दिया था। देयर वॉज टफ कॉम्पिटिशन, तो अब जो कॉम्पिटिशन था, जो प्रतियोगिता थी वो टफ होती जा रही थी। अमंग द रेस्ट, जैसे जैसे उसका एंड हो रहा था। द थीम लैंग्वेज ऑफ द पोएम माई एक्सप्रेशंस, अगर मैं पोएम के थीम की बात करूँ, उसकी लैंग्वेज की बात करूँ और अपने एक्सप्रेशन की बात करूँ। रेसिटेशन इम्प्रेस द जज, तो इन सारी चीज़ों ने वहाँ बैठे हुए जज को काफ़ी इम्प्रेस किया था, यानी मेरे जो इम्प्रेशंस थे, मेरी जो थीम थी और जो मेरी लैंग्वेज थी, इन सब ने वहाँ बैठे हुए जज को काफ़ी इम्प्रेस किया। एंड आई बैग द फर्स्ट प्राइज़ बाय द डायरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन सेल, तो वहाँ मैं जीता या जीती और मुझे फर्स्ट प्राइज़ भी मिला, यानी मैं फर्स्ट पोजीशन पर रहा या रही। आपको ये भी लिखना है कि प्राइज़ को किसने डिस्ट्रीब्यूशन किया था। जैसे यहाँ लिखा गया है बाय द डायरेक्टर, यानी पॉपुलेशन सेल के डायरेक्टर ने प्राइज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया था जिसमें मैं फर्स्ट पोजीशन पर रहा था या रही थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से रिपोर्ट राइटिंग होती है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। अगर आप लोगों को और भी टॉपिक्स पर प्रैक्टिस करनी है तो मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ रिपोर्ट राइटिंग के लिए फॉर योर प्रैक्टिस।